आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इन अ पी प्लांट प्रोड्यूसेस 2560 सीड्स ड्यूरिंग अ डाइहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन राउंड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन प्लांट। देन हाउ मेनी सीड्स आर wrinkled yellow, round yellow and wrinkled green respectively. So friends, इस question ने पूछा है कि एक cross कराया जाता है, actually जो cross है वो dihybrid cross है, जो कि कराया गया है ऐसे पी plant में जिनमें से एक जो है वो कैसा है, उसके sheets जो है वो round है और yellow है, और दूसरा जो parent है उसके sheets जो है वो wrinkled है और ग्रीन कलर के हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनके बीच में जब क्रॉस कराया तो प्रोड्यूस हुए कितने, 2560 शीट्स। तो हमें बताना है कितने शीट्स ऐसे होंगे जो रिंकल्ड येलो होंगे, राउंड येलो होंगे और रिंकल्ड ग्रीन होंगे। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं यहाँ पर डाइहाइब्रिड क्रॉस के F1 जनरेशन की, तो F1 जनरेशन में जितने भी ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो फिनोटिपिकली राउंड येलो ही होते हैं, क्योंकि ये राउंड येलो जो है वो डोमिनेंट है। तो ये जो हमें देखने को मिलते हैं ये हमें F2 जनरेशन में देखने को मिलते हैं। F2 जनरेशन में हमें फिनोटिपिकली चार टाइप के ऑफस्प्रिंग्स देखने को मिलते हैं, जिनमें से तीन ये आप हमें दिए हुए हैं। एक के जो शीट्स होते हैं वो रिंकल्ड येलो होते हैं, एक के येलो राउंड रिंकल्ड होते हैं और एक के रिंकल्ड ग्रीन होते हैं। तो दोस्तों जो रेशियो होता है, फिनोटाइपिक रेशियो जो होता है वो होता है, फिनोटाइप रेशियो जो है वो कैसा होता है, वो होता है दोस्तों 9:3:3:1। ठीक है फ्रेंड्स, जिनमें से जो 9 होते हैं वो कैसे होते हैं, राउंड एंड येलो। ठीक है फ्रेंड्स, 3 जो होते हैं वो कैसे होते हैं, रिंकल्ड एंड येलो। 3 कैसे होते हैं दोस्तों, राउंड एंड ग्रीन। और 1 जो होता है वो होता है रिंकल्ड एंड ग्रीन। तो दोस्तों यहाँ पर कौन कौन से पूछे गए हैं, यहाँ पर पूछा गया है रिंकल्ड येलो, ये वाला, दूसरा येलो राउंड, दिस वन, और रिंकल्ड ग्रीन यानी कि ये वाला। तो दोस्तों इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको क्या लिखना है, पहले हम बात करते हैं इसकी राउंड येलो की, राउंड येलो शीट्स जो है हम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ राउंड एंड येलो शीट्स। ठीक है फ्रेंड्स, तुम क्या लिखेंगे, कितने ऑफस्प्रिंग्स हैं ये, 9 अपॉन 16 इंटू 2560 यानी कि नंबर ऑफ शीट्स यहाँ पर। सो फ्रेंड्स अगर हम इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1440। ठीक है फ्रेंड्स, तो नंबर ऑफ राउंड एंड येलो शीट्स कितने हो गए, 144 येलो। इसी तरीके से हम बाकी को भी निकालते हैं, नंबर ऑफ रिंकल्ड एंड येलो शीट्स तो दोस्तों ये कितने हैं, 3 अपॉन 16 इंटू 2560। सो फ्रेंड्स अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 480। ठीक है फ्रेंड्स, तो कितने शीट्स ऐसे हैं जो रिंकल्ड और येलो हैं, 480। और अब हमारे पास है ये, हम इसको बताना है रिंकल्ड कितने होंगे, रिंकल्ड एंड ग्रीन, नंबर ऑफ रिंकल्ड एंड ग्रीन शीट्स।
तो ये कितना है 1/16 × 250। दोस्तों ये कितना आया, अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 160 यानी कि 160। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो रिंकल्ड येलो ये वाले हैं दोस्तों 480। राउंड येलो 1440 और रिंकल्ड ग्रीन 160। और फ्रेंड्स एक बात और, जो यहाँ पर राउंड ग्रीन है वो भी सेम ही रहेंगे जितने ही होंगे, क्योंकि वो भी यहाँ पर अगर आप देखें तो वो भी 3 थे। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों, सीक्वेंस जो होगा यहाँ पे जो दिया गया उसके अकॉर्डिंग 480, 1440 and 160। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर देखें इन चारों ऑप्शंस में तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 है। सो फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।